जैसा कि आप देखते हैं कुछ दिनों से एक रेन इमरजेंसी भी चल रही है, साथ में जो है आज एम्बुलेंस, तो हम पिछले काफ़ी दिनों से एक इमरजेंसी सिचुएशन से भी थे और ये आज का दिन भी जो है हमारे लिए तो इमरजेंसी सिचुएशन जैसा ही है। इसके लिए हमने अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। दो सेंटर्स बनाए गए हैं आज की ईद के हवाले से, एक जो है वो यहाँ मैदान चौक पे है और दूसरा जो है वो दुकानी बाबा चौक। हमारी सारी जो भी हमारे पास अवेलेबल मशीनरी है वो सारी मशीनरी जो है वो आज के जो हमारे इंचार्ज हैं दोनों सेंटरों के उनके डिस्पोजल पर है, सारी मशीनरी इंशाल्लाह डिप्लॉय होगी। हम इसके साथ साथ आवाम से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारा इसमें साथ दें और आलाइशें नदी नालों में एटलीस्ट ना फेंकें, आलाइशें मखसूस जगहों पे जो हमने नोटिफाई की हैं वहाँ पे रखें। अगर वहाँ से पॉसिबल ना हो उन्हें पहुँचाना तो हमने नंबर जो है वो मुश्तहर कर दिए हैं, उन नंबर के ऊपर जो है हमसे रब्ता करें, हमारे कंट्रोल रूम से रब्ता करें और इंशाल्लाह उसी वक्त जो है उनकी शिकायत का अदाला होगा। ये शहर सबका है, इसकी सफाई की जिम्मेदारी सबकी है, जितनी मेट्रोपॉलिटन की है उतनी आवाम की भी है। तो हम सबको ये बता दें कि लैंडफिल साइट भी बनाया है जहाँ आप डंप करेंगे सारा कुछ? जी, हमारा एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है, हम वहीं पे इसको जो है ईस्टर्न बाईपास पे हम वहीं पे ये डंप करेंगे। सर, बदकिस्मती ये है कि हम सफाई मुहिम तो करते हैं लेकिन मुहिम के तहत, अगर सफाई होती तो शहर में गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि घरों में तीन तीन चार चार फीट ये निचारी रोड पर चार चार फीट पानी आ गया था, बरसाती नाले बंद हैं, जो इन्होंने निकासी आपके लिए मास्टर प्लान बनाया था वो भी नाकारा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि पश्तूनाबाद सारा डूब गया और वहाँ पे जो घर है वो भी गिर गए, उनके रिलीफ का इमदादी काम तक शुरू नहीं हो सका, निचारी वाले ऐसे ही बैठे हुए, आप मजीद इस पर क्या करेंगे कि बारिश होगी तो तबाही का मंजर होगा? आपकी बात से मैं जुज़वी तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि नालियाँ जो है या हमारे नाले जो है वो कैपेसिटी कम है, हमारी कैपेसिटी जो है वो कुछ कम है उन नालों की, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है। जहाँ तक कल के रिलीफ वर्क का ताल्लुक है तो मैं और डीसी साहब कल रात गए तक जो है वो पश्तूनाबाद में मौजूद थे जहाँ पे जानी नुकसान का जो है इतला थी। वो रिलीफ वर्क अब भी जारी है, टेंट भी पहुँचा दिए गए हैं, राशन भी पहुँचा दिया गया है। रात को 3 बजे तक हमारा वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद था और खुद तमाम निगरानी कर रहा था। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये मतलब 3-3 फुट तक पानी आ गया था तो ये सॉर्ट ऑफ क्लाउड बस था, हम लोग के लिए होगा कि 10 मिनट के करीब ही बारिश हुई थी, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई और जितनी बारिश हुई वो हमारे नालों की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। उसमें बहर सूरत अगर नाले बिल्कुल साफ और इमैक्यूलेट होते भी तो इस पानी ने बाहर ही आना था, ये कुदरती अमर था जिसका तदारुक शायद मुमकिन नहीं था। दूसरा एक बड़ा मसला साहब कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट्स का भी है, आवाम ने घर बना लिए हैं उन्हें इंक्रोच कर दिए हैं सारे, वजीर आला साहब के हुकुम पे हमने एक स्पेशल इंक्रोचमेंट मुहिम भी शुरू कर रखी है जिसकी निगरानी खुद चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। एक कमेटी हाई लेवल की बनाई गई है और उस पर हम आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी डेवलपमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि तजावजात है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की फौज है, देखिए ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं समझता हूँ मैं ये कोयटा का शहरी हूँ, आप भी कोयटा के शहरी हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये शऊर का मुजाहरा सबको करना चाहिए। मिसाल एक साइड पर अगर कोई कोताही होगी तो दूसरे साइड को शऊर का मुजाहरा करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ये लोगों की आंखों के सामने ये चीज़ें बनी है। चलें अगर आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल को, किसी को, मेट्रोपॉलिटन को आप जिम्मेदार ठहरा भी दें तो आप जो सिविल सोसाइटी है जो आम है उसको भी तो बजे जमा नहीं करार दिया जा सकता, सबकी जिम्मेदारी। ये हमारी सोसाइटी की नाकामी है, मुआशरे की नाकामी है कि मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और कोई उस पर बात करने की तैयार नहीं, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि उसमें बहुत बेहतरी। सर काम बिना इम्तियाज तमाम इलाकों में हो, तकलीफ न बरती जाए, इसके लिए आपने क्या काम किया है? जी हाँ, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि हम हमारे मुख्तलिफ जोन्स हैं, हमने बेसिकली जो है, अगर आप ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने दो जोन में जो है इसको तकसीम किया है। एक जोन यहाँ शहर की साइड का है जिसको ये सेंटर जो है उसको कवर करेगा, तीन दिन तक ये दोनों सेंटर्स काम करेंगे। एक यहाँ पे है और दूसरा जो है वो दुकानी बाबा चौक पे। तो इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम है जो राउंड द क्लॉक जो है वो वहाँ पे काम करता है। उसके अलावा हमारे जोन इंचार्ज हैं जिनके हमने नाम जो है सोशल मीडिया पे और अपने बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भी हवाले कर दिए, उनसे भी रابطہ किया जा सकता है। उसमें वो इलाकों के नाम एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, तो जिन इलाकों के लोगों को जहाँ पे मसला दरपेश हो, वो अगर आलाइशें ना हो रहे हैं तो वो उन नंबरों पर रابطہ करें, मेरे से रابطہ करें, CMO साहब से रابطہ करें। इसके अलावा हमने एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म रखा है, हमारे कोई 20 के करीब प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, वो सारे इंशाल्लाह रोड पे होंगे और इसकी खुद निगरानी करेंगे बशमूल में। जो सॉलिड बेस है वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे।